मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक, हमारी वेबसाइट mindguruindia.com और missiongeniusmind.com। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, अगर कभी आपने बाइक या कार चलाना सीखा हो तो शुरू शुरू में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है। कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है और कब ब्रेक लगाना है, और इसके साथ साथ सारे ट्रैफिक को भी ऑब्जर्व करना है, बैक व्यू मिरर में भी देखना है। इतनी सारी चीज़ों के बीच बहुत डिफ़िकल्टी हुआ करती थी और कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, और आदत में आपको ये भी नहीं याद रखना पड़ता कि कौन सा रास्ता चूज करना है। कभी कभी तो आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आप पूरे रास्ता चलते चले जाते हैं और आपको ये भी नहीं पता होता आपने कहाँ मुड़े, कितना रास्ता तय किया, किस जगह पर क्या चेंज किया। आपका ध्यान कहीं और ही होता है, किसी और बात पर, किसी और इम्पोर्टेंट बात पर आपका फोकस रहा होता है। असल में हमारे ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स हैं और हमारा ब्रेन बहुत एफिशिएंटली काम करता है। जब हम किसी काम को नया नया सीखते हैं तो हमें पूरे पूरे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उस सारे पैटर्न को हमारा मन रिकॉर्ड कर लेता है और हमारे लिए उस चीज़ को दोबारा से करना बहुत ही आसान हो जाता है। यही डिफरेंस है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर। असल में कोई भी पैटर्न जब हमें बनाना होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर में आता है, और एक बार ये पैटर्न बन जाए तो उसके बाद ये काम बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर तक सोचते हुए घर तक चले जाना या सुबह उठकर बाथरूम तक चले जाना, इस दौरान आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। इसके लिए हमारा माइंड टोटली फ्री रहता है। इस तरह के मैकेनिज्म से हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होती है। ये तो आदतों का अच्छा वाला पार्ट। अब आदतों का एक बुरा पार्ट ये है कि हमारा मन अच्छी और बुरी आदतों में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाता। असल में ब्रेन सिर्फ अपनी एनर्जी बचाना चाहता है, उसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए एक दिक्कत ही आ जाती है कि हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा करते हैं और अच्छी चीज़ों को कम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आदतें हमारे जीवन की सक्सेस और फेल्योर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं? इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की आदतें बना रहे हैं। तो अगर आपको अपनी नई आदतें बनानी है और बुरी आदतें खत्म करनी है, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आदतें आखिर बनती कैसे हैं। पावर ऑफ हैबिट्स बुक के ऑथर के हिसाब से आदतें बनने का एक 3-स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप है क्यू, हिंदी वाला क्यू नहीं, इंग्लिश वाला क्यू। क्यू का मतलब आप ट्रिगर भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेप है रूटीन, और तीसरा स्टेप है रिवार्ड। ट्रिगर उसे कहते हैं जो आपको अच्छा या बुरा काम करने के लिए उकसाता है, जिसको पाने के बाद आप वो अच्छा या बुरा काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, सिगरेट पीने की आदत पड़ने से पहले कोई ना कोई आपको उस काम के लिए उकसाता है, वो कहता है कि आओ एक बार ट्राई करके देख ले मैं क्या हर्ज है। शुरू में आपको आप उसको मना भी करते हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, धीरे धीरे आप उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ एक दिन मैं छोड़ दूंगा। वो दोस्त शुरू में आपको साथ लेकर जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आप ही उस दोस्त को साथ लेकर सिगरेट पीने के लिए चलना शुरू कर देते हैं। इसमें आपका वो दोस्त ही आपके लिए ट्रिगर बन जाता है। तो ट्रिगर कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है लोकेशन, किसी पर्टिकुलर जगह को देखकर आपको कुछ पर्टिकुलर एक्शन की याद आ जाए। दूसरा है टाइम, किसी खास टाइम पर किसी पर्टिकुलर हैबिट की याद आ जाए। कोई खास इमोशन, फॉर एग्जाम्पल आप उदास हैं, आप बहुत लविंग फील कर रहे हैं, तो एक खास तरह का हैबिट ट्रिगर हो जाती है। और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भी हो सकता है, और लास्ट में कोई एक काम करने के बाद भी आपको ये आदत याद आ सकती है। मिलने के बाद जो लोग जो नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं वो है रूटीन। उदाहरण के लिए दोस्त का मिलना, उसके बाद सिगरेट खरीदने के लिए जाना, और किसी खास जगह पर जाकर सिगरेट जलाना और सिगरेट पीना। इसके बाद आता है रिवार्ड, कि सिगरेट पीने से मिलता क्या है। इस एग्जाम्पल में जैसे ही लोग सिगरेट का पहला पफ लेते हैं, उनको सबसे पहले निकोटीन का एक जबरदस्त किक मिलता है। वो सारी ही आदतें ये 3-स्टेप प्रोसीजर फॉलो करती हैं। ऐसे ये साइकिल रिपीट होता चला जाता है, ये साइकिल और ज्यादा स्ट्रोंग होता चला जाता है। तो कोई भी आदत इससे पक्की होती चली जाती है। वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे ज्यादा खाना खाना हो, या कोई भी अच्छी या बुरी आदत। सबसे अहम क्वेश्चन पर वो है कि अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएं कैसे। असल में बुरी आदतों का पैटर्न जो हमारे दिमाग में होता है वो इतना स्ट्रोंग होता है कि उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत समय लगता है, और कभी कभी लोग
एक पर्टिकुलर आदत को छोड़ देने के बावजूद भी दोबारा से वो ट्रिगर मिलने पर एक बार फिर से री इनिशिएट कर देते हैं। इसलिए बेस्ट पार्ट ये है कि किसी भी आदत को छोड़ने के बजाय उसको चेंज करने पर हम ध्यान दें, किसी नई आदत से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एक उदाहरण से बात क्लियर करनी अच्छी रहेगी। एक व्यक्ति था, उसको डोनट खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। रोज रोज कैलोरी से भरे हुए डोनट खाने से उसका वेट लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि अब वो इस आदत को खत्म करेगा। उसके किसी मित्र ने उसे ये बुक दी जिसके द्वारा उसने अपनी आदत को खत्म करने का डिसीजन लिया। उसने इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ पर अपनाना शुरू किया। उसने अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सबसे पहले उसने ये देखा कि उसको एग्जैक्टली ये ट्रिगर मिलता कब है। उसने पाया कि रोज शाम को 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में उसके मन में डोनट खाने की बहुत तीव्र इच्छा पैदा होती है। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करता है। वो लिफ्ट से कैंटीन तक जाता है, कैंटीन में जाकर वो डोनट खरीदता है और उसके साथ अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए उस डोनट को खाता है। और इसका रिवार्ड ये कि उसको डोनट का स्वाद और मज़ा। इसके बाद उसने स्टेप 2 फॉलो करना शुरू किया। स्टेप 2 में उसने अपने इस रूटीन को 3 से 3:30 बजे के रूटीन को कुछ चेंज लेकर आया। सबसे पहले वो लिफ्ट से ऊपर गया, कैंटीन में गया, लेकिन इस बार उसने डोनट खरीदने की बजाय चॉकलेट खरीदा और उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाया। इसके बाद उसने रूटीन को लास्ट स्टेप में और चेंज किया, भी नहीं खरीदा लेकिन सिर्फ अपने 15 से 20 मिनट अपने दोस्तों के साथ बिताए और वापिस आ गया। इस तरह 15 से 20 दिनों में उसकी आदत पूरी तरह से छूट गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसने कभी भी अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने पुराने रूटीन और रिवार्ड को नए रूटीन और रिवार्ड से बदल दिया। बस यही सारा चेंज है। कोई भी अपनी कोई भी आदत को अगर चेंज करना हो तो आपको स्टेप नंबर 1 और 2 फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको अपना क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड को फाइंड आउट करना है और स्टेप नंबर 2 में आपको अपने पुराने रूटीन और रिवार्ड को किसी नए रूटीन और रिवार्ड से चेंज कर देना है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगेगा लेकिन यही सबसे आसान तरीका है इस काम को करने का। ये सब चीजें मेंशनड हैं द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। इसमें न केवल हैबिट को चेंज करने पर है बल्कि हैबिट को सही सही ढंग से यूटिलाइज करने पर भी पूरा फोकस। आप इस तरीके का उपयोग अपनी और भी किसी आदत को छोड़ने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी टाइप के नशे को छोड़ना, लेट उठने की आदत को चेंज कर पाना, ज़्यादा खाने की आदत को बदल पाना, किसी काम को टालने की बुरी आदत को छोड़ पाना, या ओवर टॉकिंग को चेंज कर पाना, ओवर थिंकिंग को चेंज कर पाना, ऐसी किसी भी बुरी आदत से आप छुटकारा पा सकते हैं। एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। किसी भी तरह की हेल्प अगर हमसे चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हमारे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बींग ए पार्ट ऑफ मिशन जीनियस माइंड। थैंक यू वेरी मच।